रहीम ये जो साल हमारा गुजर रहा है इसमें हमारा मुल्क क्लाइमेट चेंज मौसम की तब्दीली की वजह से हमें बड़े मनफी इसके अभी असरा नज़र आ रहे हैं सबसे पहले कि मार्च और अप्रैल के बीच में पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्म मुल्क था यानी यहाँ जो गर्मी पड़ी उस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्मी पाकिस्तान में थी फिर जो हमारी बारिशें हैं वो पहले आ गई और फिर वो आई तो उससे फ्लडिंग शुरू हो गई कई इलाकों में बड़ी तबाही मिची है फ्लडिंग की वजह से फिर जो उससे पहले जो गर्मी पड़ी आगे लगनी शुरू हो गई और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं आपने देखा यूरोप में भी आगे लगी हुई हैं अमेरिका में भी लगी हुई हैं और पिछले साल तो साइबेरिया जो कि सबसे ठंडी जगह दुनिया में उधर भी आगे लगी हुई हैं तो ये मौसम की तब्दीली और गर्मी की वजह से ये जो दुनिया के अंदर गर्मी बढ़ती जा रही है इसकी वजह से ये हो रहा है और हमारे भी चलगोजे के हमारे पुराने पूरा जंगल था उसके अंदर बड़ी बुरी तरह आग लगी और फिर जो हमारे शुमाली इलाकों में पहाड़ी इलाक़ों में और स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ या गिलगित बल्तिस्तान में जो हमारे ग्लेशियर्स हैं तीन जगह हमारे ग्लेशियर्स टूटे और उसकी वजह से फ्लड आया बल्कि कई हमारे पुल भी बह गए ऊपर तो ये सारी मौसम की तब्दीली की वजह से इसलिए मैं आज आज सारी कौम को कह रहा हूँ कि दरख्त लगाना हमारी आने वाली नस्लों के लिए इतना ज़रूरी है अगर हमें अपने बच्चों की फ़िक्र है तो हम सब को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए कि हम सब की ज़िम्मेदारी है कि मुल्क में हम दरख्त लगाएँ हमारी जो दो हुकूमतें हैं खैबर पखतूनख्वा के अंदर आ, और पंजाब में उधर इन सीजन में दस करोड़ दरख्त दोनों दस करोड़ पंजाब में और दस खैबर पख्तुनवा में लगवा रहे हैं और मैं आप सबको भी ये भी कहता हूँ कि आपने पूरी तरह हमारी शजरकारी में पूरी तरह शिरकत करनी है